जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अलग अलग क्वेश्चन है और कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई रोष होगा तो मिल बैठ के उसको जो है मिल बैठ के उसको सुलझाएंगे। राणा जी, जब से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र बना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मेरी पेरेंटल पार्टी है और सुजानपुर एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है। इस चुनाव क्षेत्र को आदरणीय धूमल जी ने और ठाकुर जगदेव चंद जी ने दोनों ने सींचा है और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कैडर किसी चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का है तो वो सुजानपुर में है और निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी। और आज फिर से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मैंने तो राजनीति इनसे सीखी है, मैं तो हमेशा इनके साथ रहा हूँ, परंतु तो कुछ हालात पैदा हुए और सरकमस्टांसिस कई बार अपने हाथ में नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग हुए थे। आज हम फिर इकट्ठे हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और बिल्कुल हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे 45 साल तक जिस घर में रहा, जिसके लिए हमने बहुत काम किया जीवन में, गम तो होता ही है लेकिन अब गम के साथ तो जिंदगी नहीं चलती है, उससे आगे उभरना पड़ता है। उभर कर आके हम दोबारा जो है कमल के फूल की तरह निखर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना परिवार बढ़ता हुआ देख कर प्रसन्न होता है और लोकतंत्र में जितना परिवार बढ़े उतनी शक्ति बढ़ती है। ऐसे परिवार नियोजन करते हैं लेकिन लोकतंत्र में गिनती का महत्व है, तो जितने लोग आए और विचारधारा से प्रभावित होकर आए उनका सदा स्वागत, इन दोनों का भी स्वागत है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, धूमल सर कैसे देखते हैं चुनावों को? अच्छी बात है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा हो रहा है। मेरी तो मांग है कि सारे देश में चुनाव लोकसभा विधानसभा और पंचायत से पार्लियामेंट तक एक गांव में एक दिन में होना चाहिए ताकि समय बचे, पैसा बचे। अच्छी बात है क्योंकि दो विधानसभा के भी साथ चुनाव यहाँ हो रहे हैं, निश्चित तौर पे समय बचेगा और ज़्यादा मेहनत करके जो वोट खिलाफ जा सकते हैं वो भी अब साथ आएंगे, तो विधानसभा और लोकसभा में मार्जिन बहुत बढ़ना चाहिए, भारी बहुमत से जीतना चाहिए। इनकी ही नहीं, जहाँ भी कोई कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो पार्टी आदेश करती है मैं करता हूँ, सारा जीवन करता रहा हूँ, करता रहूँगा। नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र भी और परिसर भी दूर नहीं है। प्रदेश के राजनीतिक हालात आपके सामने है कि चुने हुए विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़कर फिर से जनता के अदालत में पेश होने को तैयार है। निराशा अगर विधायकों में ही है जो सरकार का अंग थे तो आम जनता में क्या हालत होगी इस बात से पता लग जाता है। सर, खरीद फरोख्त के ये प्रश्न तो आपको इनसे करना चाहिए था। नहीं, वही आरोप लगा रहे हैं ना सर विपक्ष पे कि जो विधायक हैं उनको खरीदा गया। दोनों के सामने दोनों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राम के भक्त हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग बहिष्कार कर रहे थे उनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे। 10 गारंटियों पूरी करने में कांग्रेस सरकार असफल रही तो निराश होकर नई आस के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आए हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, जो भी इसमें आएगा उसका स्वागत है, संस्कारित होगा और अच्छा होगा, जो नहीं होगा उसको संस्कारित कर दिया जाएगा। सब मिलकर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।